हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्साबानो सिद्दीकी। हापुड़ में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को देख अस्पताल कर्मचारी हुए अलर्ट। जनपद हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकारी अस्पताल कर्मचारियों ने कमर कस ली है। जहां लोगों को सरकार की तरफ से जागरूक किया जा रहा है, वहीं सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों के द्वारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए अस्पताल में एंट्री करने वाले मरीजों की थर्मल स्कैनिंग और चेक करके ही एंट्री दी जा रही है। मरीजों में बुखार जैसी शिकायत पाने पर अस्पताल कर्मचारियों द्वारा उस मरीज की कोविड-19 जांच कराई जा रही है। वहीं डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया कि अस्पताल में एंट्री करने वाले मरीजों की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ कोविड-19 जांच हो रही है और लोगों को कोविड-19 के चलते जागरूक भी किया जा रहा है। खासकर 2 गज की दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए अस्पताल के कर्मचारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड को खत्म करने के लिए पहली और दूसरी डोज लोगों को बड़े स्तर पर दी जा रही है और सभी को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड-19 को देखते हुए बढ़ते क्रम में अब वो हो रही है और सरकार का पूरा ध्यान है, तो क्या प्रबंध है यहाँ सरकारी अस्पताल में? देखिए, जैसे पहले हम लोग एक बार इस चीज़ को बरत चुके हैं कि हमारे यहाँ कोरोना फैला था और हमने काफ़ी प्रयासों के बाद उसे कंट्रोल किया था, लेकिन आसपास के जिलों में और कुछ प्रदेशों में कोरोना की फिर बढ़ती तादाद को देख कर हमने अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। और पूर्व की बात ही, हम लोगों ने जैसे हमारे एक तो हम लोगों ने एंट्री गेट एक कर दी है, जिससे जो भी अंदर मरीज जाएगा वो प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के जाएगा, सैनिटाइज हम उसको कर रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग उसकी कर रहे हैं। यदि किसी को बुखार या अन्य लक्षण हो रहे हैं तो हम उसका एंटीजन और कोविड टेस्ट अवश्य करा रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द इसके फैलावे को रोक सकते हैं। क्या अस्पताल के अंदर जो है जी हमारे अब रेगुलर रात को हम लोग अब दोबारा हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के सफाई कर रहे हैं और नगर पालिका द्वारा फिर दोबारा सैनिटाइजेशन वगैरह हमारे स्टार्ट हो गया है। अंदर भी हम लोग मरीजों को बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि वो दूरी बना के रखें, ताकि इस बीमारी को हम लोग फैलने से रोक सकें और दोबारा फिर उस तरह की स्थिति ना आए कि जो हम लोग पिछले काल में देख चुके हैं। उससे बचाव का यही तरीका है कि हम ये 3 एहतियात अवश्य बरतें। क्या दूसरे इसमें चरण में जो ये देखिए मरीज जो वैक्सीन के बाद यदि होता तो हमारी शारीरिक मतलब प्रतिरोध क्षमता बढ़ चुकी है, वैक्सीनेशन के बाद इसमें होने वाले घातक चीज़ों से हमारा बचाव होगा। वैक्सीनेशन अवश्य कराएं ताकि हम घातक प्रभावों से उसके बच सकें। धन्यवाद, और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।